Welcome to my channel Shankar Sars Humanities. This is the third video of the third chapter of Political Science 12th. ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9/11 अटैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये बार बार आते हैं. ठीक है, उसका मेन हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 9/11 अटैक. मतलब 9/11 अटैक हुआ क्यों था और होने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ. ठीक है, बहुत ईजी है, आप एक बार सुनिए स्टोरी, पूरा याद रहेगा आपको. हुआ क्या था, यहां एक टेररिस्ट ग्रुप ने जिनका नाम था अलकायदा, वो अटैक कर दिया था यूएसए का दो एम्बेसी के ऊपर, जो एक था नैरोबी केनिया में, दूसरा था दर ए सलाम तांजानिया में. याद रखना, नैरोबी केनिया, दर ए सलाम तांजानिया, ये दो कंट्री का जो में जो यूएसए का एम्बेसी था उसको अटैक कर दिया अलकायदा ने. अटैक करने के बाद ऑब्वियस बात है, जब एम्बेसी का अटैक किया जाता है, इट वाज ट्रीटेड एज एवरी कंट्री विल ट्रीट इट एज अटैक ऑन देयर ओन कंट्री, क्योंकि जो एम्बेसी होता है वो खुद का कंट्री जैसे ही होता है. तो इसलिए अभी यूएसए क्या करा ना, अलकायदा का जितना सारे एस्टेब्लिशमेंट था, कहां ना अफगानिस्तान एंड सूडान में, सबको बम्बार्डमेंट करके, एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया. ठीक है, ये एक ऑपरेशन शुरू करा यूएसए का प्रेसिडेंट, जो ऑपरेशन के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन क्या याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच. उसके बाद क्या हुआ, जो जब ये टेररिस्ट को अटैक करे वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो क्या करे, यूएसए का चार एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिए, हाईजैक करके चार इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स को अटैक कर दिए. ठीक है, एक्चुअली तीन तो अटैक हुआ था, फोर्थ को द प्रिज्यूम टू अटैक द फोर्थ वन, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस बिल्डिंग ऑफ यूएसए, जो अटैक नहीं हुआ था. तो पहले तो दो साउथ टावर, नॉर्थ टावर, जो उनका दो ट्रेड ट्विन टावर जो था, ट्रेड का जो आपका ट्विन टावर है, उसको दोनों को अटैक कर दिया गया. तीसरा उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, पेंटागन बिल्डिंग, इसको अटैक करा. फोर्थ वन जो जा रहा था अटैक करने के लिए यूएस कांग्रेस को, तो उसको रास्ते में मतलब गिरा दिया गया पेंसिल्वेनिया में. ओके, ये अटैक के बाद यूएसए फिर नहीं चुप बैठा, यूएसए ने फिर क्या करा, फिर एक ऑपरेशन शुरू करा, जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसके अंदर क्या किया गया ना, जिसके ऊपर यूएसए का शक था, ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके ऊपर उनका शक था, उनको उठा लिए और इनको लेके एक गुआंटानामो बे में उनका एक प्रिजन है, सीक्रेट प्रिजन है, वहां रखा गया. और हो सकता होगा वहां टॉर्चर करके इनको पूछताछ करते होंगे, या जो भी एक ऑपरेशन शुरू करे ऑल ओवर वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लॉ, कुछ भी नहीं सुने, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जिसके ऊपर उनका शक था उसको उठा लिए. ओके, ये ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. ठीक है, मैं आपके साथ तीन ऑपरेशन डिस्कस कर लिया, पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, फिर जब अटैक करा ने टेररिस्ट ने अटैक करे उनका जो नैरोबी एंड केनिया में, उनका जो नैरोबी केनिया एंड दर ए सलाम तांजानिया, वहां जब अटैक करे उनका एम्बेसी को, दूसरा ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, तीसरा ऑपरेशन हुआ अभी एंड्यूरिंग फ्रीडम, या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर भी इसको बोलते थे. ठीक है, क्लियर हो गया बातें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर द न्यू कमर. थैंक यू सो मच, बाय.